शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यूमीन, ये सारी घंटियां अलग अलग सेक्रेटरीज की हैं और सब अपनी अपनी घंटी पहचानती हैं। यकीन नहीं होता कि ये सब इसी रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था। गौतम मित्तल के बेटे को नौकरी कौन देगा? दम घुटने लगा है मेरा। धर्म चाचा, धर्म चाचा। ओए सुबह सुबह क्यों दाड़ रहा है गट्टू? ये गट्टू वट्टू छोड़िए और ये बताइए कि ऋतिक कहाँ है? और ऋतिक जहाँ होना चाहिए वहाँ ऑफिस में। ऑफिस में? अच्छा, साहबजादे सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गए, वो भी खुद? मैंने पे जाए। धर्म चाचा, ये कमाल तो मुझे खुद अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। और अगर वो ऑफिस में नहीं हुआ तो उसकी पैकिंग शुरू कर दीजिएगा आप। आज शाम को जब घर लौटूंगा अफ्रीका की टिकट साथ लेकर आऊंगा। ऋतिक पुत्ता, दिल की जगह पत्थर रखते हो क्या? खोतिया, मेरे दिल को छोड़। आज अगर तू जल्दी से तैयार होके दफ्तर नहीं पहुंचा, तेरे दिल को अफ्रीका के जंगलों में जाने का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओह नो, यानी कि डैड ने फिर से अफ्रीका का? बड़ा हाई है डैड का पारा, बड़ा हाई है। तेरे चक्कर में मैंने भी सुबह सुबह मील पर लंबा झूठ बोल दिया कि तू ऑलरेडी दफ्तर में है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ऋतिक ऑफिस आया? पता नहीं सर। ओए पुत्र जी, संभाल के संभाल के। ऋतिक ऑफिस आया जी? ऋतिक माय सन, हैज ही कम टू द ऑफिस? नो सर। ओए खोतिया, अगर आंख में साबुन चला गया है तो उसको साबुन के पानी से मत धो। अरे भैया, आंख खुले तो पता चले ना चाचा क्या धो रहा हूँ, किससे धो रहा हूँ। हाँ मिस्टर बासवानी, आपने ऋतिक को देखा है? नहीं सर, मैंने अभी तक शाहरुख को भी नहीं देखा। इडियट। पुत्र तू जल्दी आ जा। चलो 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 ऐसे कैसे? अरे पारा बहुत हाई है डैड का। चलो 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 कपड़े तो। ओके, आई जस्ट डू इट। सारा ऑफिस छान मारा लेकिन ऋतिक का कहीं पता नहीं। अगर आया था तो कहां गया वो? Will someone please tell me where the hell is my son? Hi, Dad. Good morning. What good morning? कहाँ से आ रहे हो तुम? तो आप रहे हैं? मैं तो सुबह से यहीं हूँ ऑफिस में। झूठ मत बोलो। मैंने सारा ऑफिस देखा, एक क्या कैबिन खोलकर देखा है। तुम कहीं नहीं थे, कहाँ थे तुम? हाँ, वो मैं गोडाउन में देखा। हाँ, गोडाउन में। गोडाउन में? गोडाउन में तो नहीं देखा ना आपने? गोदाम में तुम क्या कर रहे थे? तो मैं क्या कर रहा था? गोडाउन में स्टॉक को चेक कर रहा था। हाँ। और गोडाउन में क्या होता है, भांगड़ा है? और ठंड रख गट्टू। गट्टू तू तो बच्चे के पीछे। चाचा, ये मेरा ऑफिस है। हाँ। यहाँ पर गट्टू नहीं। हाँ। ठीक है, नहीं। थैंक यू, वेलकम। एनीवे, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? ना मैंने घर में तुम्हारी शक्ल देखी, ना ऑफिस में किसी ने देखी। बिजी था, बिजी था, बिजी हूँ। इस ऑफिस में कितना काम पेंडिंग पड़ा है पता है आपको? पूछिए इन लोगों से, पूछिए। धर्म चाचा, आप इधर आइए, आप इधर आइए और मुझे बताइए कि मेरा कैबिन कहाँ है। यस सर। हाँ? आप? मैं जोएन, आपकी सेक्रेटरी, और ये बेल मेरे लिए है। ओह सॉरी, ये नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये बेल जब बजाते हैं मैं आ जाती हूँ। ओके 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 ओके, यू मीन लाइक दिस? जी। यू मीन ये सारी घंटियां अलग अलग सेक्रेटरीज की हैं और सब अपनी अपनी घंटी पहचानती हैं? जी हाँ सर। कूल, आई लाइक दैट। वैसे हम इस ऑफिस में करते क्या है कि हमें इतनी सारी घंटियां, आई मीन सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ती है? सर ये आपको मिस्टर देवदर्शन सूरी बेहतर बता सकते हैं। मिस्टर देवदर्शन सूरी? जी हाँ, आपके म्यूजिक डिविजन के हेड। आई मीन इन घंटियों में से कौन सी घंटी मिस्टर सूरी के लिए? सर उनका कैबिन जरा दूर है तो उनके लिए मित्तल साहब दरवाजा खोलते हैं और चिल्ला देते हैं। मिस्टर देवदर्शन सूरी। यस सर, राइट सर। हाय, आई एम ऋतिक मित्तल। हेलो, आप मेरा नाम तो जानते ही हैं सर। हाँ, ये सर्वर छोड़ो यार, मेरे लिए कुछ काम पैदा करो यहाँ पर। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू ओवर हियर? हाँ सर, आप ये सीडी सुन सकते हैं। ये क्या है? सर हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया, इट्स अ बिग हिट। इनफैक्ट सर मेरे ख्याल से इस सिंगर से हमें एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए। हाँ, रक्षा, आजकल तो सब इन्हीं के गाने सुन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था कि हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। जो जो सुनेगी तो बहुत बड़ी फैन है उनकी। जो जो फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आई अंडरस्टैंड सर। यू डू? एक काम करेंगे आप, इनके साथ जल्दी से जल्दी जो जो की मीटिंग फिक्स कराएंगे। हाँ, बहुत खुश होगी इनसे मिलके।
श्योर सर, मैं आज ही ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। इनफैक्ट सर, जोजो से ज्यादा तो रक्षा आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। आफ्टर ऑल यू आर द बॉस। कोई बॉस वॉस नहीं हूँ, आप मुझे ऋतिक कह के बुला सकती हैं। थैंक्स। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मे आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? ओह माय गॉड, क्यों, क्या हुआ? डिड आई से समथिंग फनी? नहीं नहीं, एक्चुअली यकीन नहीं होता कि ये सब इसी रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था। आज कृष्णा होता तो मुझसे ज्यादा खुशी उसे हुई होती। क्रिश कौन? माय हस्बैंड। आपको शायद याद नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आप जब या व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। या वैसी कहाँ है क्रिश? नहीं बोला एक बार, नहीं तो नहीं बोला ना, एक बार समझ जाने का। चलो मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, अलाउड नहीं है सर। देखिए मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप कोई भी हो, नहीं अलाउड नहीं है, बोला। अरे जाने दो यार। और आप लोग भी पहले इनका ऑटोग्राफ लीजिए। किस्मत वाले हो यार, जो ऐसी पत्नी मिली। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो घर पर चद्दर तान कर सो जाता आराम से। जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? बीवी हो तो ऐसी। You're finished. क्या? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है, किसके साथ किया है? I'm the son of IG police. तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, आपके पति का बाहर किसी से झगड़ा हो रहा है। आपकी बेल हो चुकी है, आइए। तुम्हें सारी दुनिया से लड़ने की क्या जरूरत है क्रिश? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, सिर्फ पति। अच्छा हुआ वो आईजी मेरा फैन था, वरना तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो जाता। और पता है क्या हो जाता? क्या हो जाता, क्या हो जाता? देखो, मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपने स्टारडम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे अपने के पे कोई दुख नहीं है, और अगर वो आईजी का लड़का फिर से ऐसी हरकत करे ना, तो मैं दोबारा उसकी नाक तोड़ दूंगा। उसने तुम्हें मेरा पति तो कहा था, और वो एक सच्चाई है ना? यही कि तुम मेरे पति हो। हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा ये दुनिया सोचती है। हमें औरों की सोच से क्या लेना देना क्रिश? ये तारे देख रहे हो? तुम भी एक सितारा हो रक्षा, और ये सारा शहर तुमसे तुम्हारी चमक उधार मांगता है हर वक्त। ऑल द ब्लडी टाइम। और मैं इन सबके बीच में चलो।
अभी कुछ कह नहीं सकते। खतरा गुजरने के लिए रात गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा। हम सबको हिम्मत रखनी होगी, खासतौर पर तुम्हें। रचना अभी तुम्हें वहां कोई रचना वहां मत जाओ, अभी तुम्हें कोई गौरव से मिलने नहीं देगा। कभी-कभी लगता है जिंदगी की रस्सी में गांठ बांध बांध कर रोक रखा है मैंने उसे। क्या क्या ऐसे ही जाने दूं? मेरे लिए वो जो खुद नहीं मानती उसे कहो भी मत। मगर आज रात ऐसा क्या हुआ कि गौरव ने? इसका ताल्लुक रात से नहीं है देव, तारीख से है। ठीक है, एक साल पहले इसी दिन गौरव का वो एक्सीडेंट हुआ था। डार्लिंग, मैं देर तक काम कर रही हूँ। आज माला छुट्टी पे है और जल्दी में डिनर बनाने का वक्त ही नहीं मिला। प्लीज फ्रिज में देख लो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सुन लेंगे। I'm sorry, मैं बिजी था। Why don't you understand? ठीक है, तो आप मेरा कसेट वापस कर दीजिए। अच्छा, बड़े तेवर हैं भाई। देखो मिस्टर, तुमसे बेहतर गाने वाले इस शहर में दर्जनों के हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझसे बेहतर? आपको कैसे पता? आपके पास तो मेरा कैसेट सुनने का वक्त ही नहीं था। जरूरत भी नहीं, 20 साल से इस धंधे में हूं, सिर्फ बात करके सामने वाले की सुर्खी औकात पहचान लेता हूं। या गुड बाय। अरे क्रिश, अरे आप, तुम यहां कैसे? रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों मजाक कर रहे हो? तुम रक्षा जी के हस्बैंड हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मिस्टर खन्ना, रक्षा जी का पति होना अपने आप में एक रोजगार नहीं है। मिस्टर खन्ना, पूजा विल सी यू नाउ। एक्सक्यूज मी मिस्टर क्रिश, मुझे आपके साथ गाना रिकॉर्ड करने में बेहद खुशी होगी। मगर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मैं सिंगर ही नहीं हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर क्रिश? वो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आप रक्षा जी के पति हैं। और मुझे भी ये नहीं पता था कि रक्षा का पति होना एक अच्छे सिंगर बनने की क्वालिफिकेशन है। नहीं नहीं मिस्टर क्रिश, आप भाड़ में जाने का क्या लेंगे? बिल्कुल बेकार हूं, निकम्मा हूं। आई एम अ फेलियर रक्षा। नहीं क्रिश, तुम फेलियर नहीं हो। ये शहर ही नहीं, ये मुल्क, सारा जमाना मानेगा कि तुम कितना अच्छा गाते हो।
कब रक्षा? Look at me, Krish. चल, बहुत चल. मॉर्निंग. पहले से बेहतर है. थोड़ी सी कमजोरी है मगर खतरा टल गया है. थैंक यू डॉक्टर राव. आप मिल सकते हैं? थैंक्स फॉर एवरीथिंग देव. शायद मैं अकेले नहीं काट पाती ये रात. तुम्हारे पास बैठने के अलावा मैंने तो कुछ भी नहीं किया. वही काफी था. क्या हो रहा है? भाग रहा हूं लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं. हेलो. जी हाँ यही है. क्रिश तुम्हारा फोन है. हो ही नहीं सकता. मुझे कोई नहीं फोन करता. कोई रॉन्ग नंबर होगा. कोई रॉन्ग नंबर नहीं है. इट्स फॉर यू. हेलो. यस 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 ऑफ कोर्स. क्रिश फैंटास्टिक टू सी यू. तुम जैसे होनहार गायक का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है. नहीं सर, खुशी तो मुझे हो रही है. It's almost like a dream. Please don't worry. रक्षा जैसी बीवी हो तो सपने को हकीकत में बदलने में वक्त नहीं लगता. क्या मतलब? आप कितना अच्छा गाते हैं वो हमें रक्षा से ही पता लगा. और फिर रक्षा हमारे लिए गाना रिकॉर्ड कर रही है. आप सिंगर हैं तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप दोनों जब साथ गाएंगे ना तो मतलब कमाल हो जाएगा. हमारी कंपनी को. Hey, what's wrong with you, man? इसको जरा दूसरी तरह से करें. ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उन लोगों को तुम्हारी आवाज चाहिए थी, मेरी नहीं. मैं तो सिर्फ एक रिश्वत था जो उन्होंने तुम्हें दी और तुम्हें दी. क्रिश प्लीज. हर आदमी पहली बार कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, किसी ना किसी की मदद लेता है. अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद. बीवी हूं मुझे अपना दोस्त नहीं समझ सकते. For God's sake, Krish, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? अगर सवाल मेरे गाने का नहीं तुम्हारे नाम का है तो तुम दुश्मन हो. अगर कदर मेरे फन की नहीं तुम्हारे वादे की है तो तुम दुश्मन हो. अगर मेरा मुकद्दर तुम्हारे रहम का मोहताज है तो तुम दुश्मन हो. मुझे तुम्हारे कंधे पर पैर रखकर अपना कद बढ़ाने का कोई शौक नहीं. आप गलत सीट पर बैठे हैं. लोग समझेंगे आप ड्राइवर को कुमाने लेके जा रहे हैं. अरे लोगों की. आप बैठे ना गाड़ी में. आगे या के पीछे? ठंड रख गट्टू. ठुक जाएगी.
होना तो दुनिया के बारे में समझता है ना औरतों के, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी आपको, खास तौर से ऐसी लड़कियों से उसे दूर रखने के लिए जो उसे उसके पैसे के लिए फंसाना चाहती हैं। और आपने क्या किया, ठीक ऐसे ही जाल में उसे फंसा दिया और खुद दूर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे आप। ओ गट्टू गाला, गट्टू वो गट्टू, कोई गट्टू बट्टू नहीं, सब खबर रखता हूं मैं। ओ खुतिया संभाल के, ओए एक्सीडेंट हो जाएगा, और संभाल, ओ खुतिया ठंड रख, ओ मेरे को तो शर्म आती है ये सोच के कि मैंने ड्राइविंग तेरे को सिखाई थी। लगता है जालबाजों ने जाल लंबा फैलाया है, लेकिन मेरे देखते देखते मेरा बेटा बर्बाद हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे आप, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। डैड आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं, यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। मैं जोजो से प्यार करता हूं, उसके बारे में ऐसी बातें करने का आपको कोई हक नहीं है, धर्म जाते समझाइए ने। जोजो, ये जोजो क्या नाम है? और शादी के बाद जसविंदर रख लेंगे, ठंड रख शादी तक। शादी अभी अंगूठा मुंह से बाहर आया नहीं है और मजनू का भूत चिपट गया है, तुझे कैसे मालूम कि ये लड़की तेरे पैसे के चक्कर में नहीं है? साबित कर सकता है? अगर उससे कह दिया जाए ना कि तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वैसे गायब हो जाएगी जैसे नदे के सार से सींग। हाँ, इश्क करने चले हैं साहबजादे। अब कहाँ जा रहे हो? ये पता करने कि मेरा दिल सही है या आपका दिमाग। सी यू डैड। ओ पुत्र जी, गड्डी लाऊं या ऑटो रिक्शे में ही चले जाओगे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं जब भी कोई जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ तो मुझे इस उडुपी में ले आते हो, जहाँ ये इतना बड़ा डोसा हमारे बीच में दीवार बन जाता है। तो खराबी सवाल में है, डोसे में? ऐसा कुछ नहीं है। जोजो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? कुछ कहो ना, come on for God's sake, say something यार। क्या कहूँ, यही सोच रही हूँ। कहना क्या है, सोचना क्या है? बोल बोल कि तुम मुझसे शादी करोगी और क्या? हाँ तो कहना चाहती हूँ। दे यू आर। लेकिन तुम मुझसे शादी करना अफोर्ड कर सकोगे? अफोर्ड? तुम मजाक कर रही हो। मैं इस देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ। ना ना ना, करेक्शन, तुम्हारे पापा इस देश के अमीर लोगों में से एक है। वन एंड द सेम थिंग? नो, इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग। तुमने तो आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया। आई मीन, क्या तुम अपनी कमाई पर बीवी और बच्चों को संभाल सकोगे? I don't understand this. मेरे पापा का पैसा मेरा ही पैसा हुआ ना? No, it's very simple. अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पापा की जायदाद और पैसा भूलना पड़ेगा। You mean तुम्हें मेरे पापा के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं? इंटरेस्ट नहीं? उसने मेरे पैसे की वजह से इनकार कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं बताऊंगा उसको कि गौतम मित्तल के बेटे को इनकार करने का मतलब क्या होता है। ओ कम ऑन डैड, कल तक आपको इस बात का डर था कि वो आपके पैसे के पीछे है, आज आपको इस बात का गुस्सा है कि वो आपके पैसे पे बिकाऊ नहीं। ठीक तो कह रही है वो, गौतम कुमार मित्तल का बेटा होने के अलावा मेरी अपनी पहचान क्या है? इससे ज्यादा पहचान की जरूरत भी नहीं है सनी, मैं तेरे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, धर्म चाचा समझाइए ना इसे। डैड, जो चीज बिकाऊ ना हो आप सिर्फ उसका दाम लगा सकते हैं, उसकी कीमत नहीं चुका सकते। दाम लगाने से कीमत चुकाने के बीच सिर्फ सौदेबाजी का फासला होता है बेटा, और यह तय करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और यही सब तय करने के लिए तो हम लोग यहां पर आए हैं बेबी, गट्टू और मैं। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डैड को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना उन्हें यहाँ आके बात करने की क्या जरूरत थी? वही तो सनी बॉय, यू नो जोजो कितनी स्टबर्न है, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड से उसकी डायरेक्ट बात करवा दी। क्या बात है, कॉफी तुम बहुत अच्छी बनाती हो और ये केक भी कमाल का है। थैंक यू अंकल। मगर मैं चाहता हूँ ये कॉफी और केक अब तुम मेरे घर में बनाओ। ऋतिक मेरा इकलौता बेटा है, आज तक उसने जो भी चाहा है उसे मिला है, वो तुम्हें चाहता है। जी देखो बेटी, मैं यहाँ शादी की तारीख तय करने आया हूँ, क्या कहती हो तुम? मैं आपको भी वही जवाब दे सकती हूँ जो आपके बेटे को दे चुकी हूँ। शादी तो मैं जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन तब जब वो आपका बेटा होने के अलावा अपनी भी एक पहचान बना लेगा। अब मैं अपने फादर का बेटा हूँ, ये इनकार तो नहीं कर सकता। हाँ, और गौतम मित्तल के बेटे को नौकरी कौन देगा? यू नो बेटे, जोजो को हमने काफी इंडिपेंडेंटली पाला है। अब कल उठकर अगर वो ये कहती है कि मुझे इस अल्बर्ट मैकेनिक से शादी करनी है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, और अगर उसने ना कह दी
और तुम यहाँ से चले गए तो मुझे ये हार्ट सिलेंडर 16 वाल 3000 सीसी 65 लाख की कार में 2000 करोड़ रुपए अपने घर से जाते हुए नजर आएंगे। आई ओके मेरी बेटी बेवकूफ है, यू नो व्हाट आई मीन, बट वी मस्ट स्टिल बी फ्रेंड्स, यू नो व्हाट आई मीन। मैं कोई कार तो नहीं ना कि जिससे दिल भर गया बदल ली। मैं एक बीवी बनना चाहती हूँ जिसका पति उसके लिए घर बना सके खुद अपने दम पर। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातों से मुझे उस औरत की बात याद आ गई जिसे मैं कभी जानता था। कौन? औरत जो उम्र भर पहले मेरी बीवी थी, ऋतिक की माँ। ओके। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा बेटा तुमसे प्यार क्यों करता है। चलें चाचा, मेरे जाने से पहले एक बात जानना चाहूंगा, तुम मेरे ऋतिक से प्यार तो करती हो ना? बस जगह तो ये भी बुरी नहीं है, सूरज को भी जल्दी है और तुम्हें भी, तो पूछो। हाँ, तुम कुछ पूछना चाहते थे ना? हाँ, करी करी, मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। सच कहूँ तो मैं भी। सच? सचमुच? लेकिन लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती देव। क्यों करी, लेकिन क्यों? हर चीज का एक वक्त होता है देव, एक मौका होता है, और मुझे लगता है कि मैंने वो सब अपने हाथ से सूखी रेत की तरह जाने दिया। मैं और गौरव एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है हमारी जिंदगी में, और उसे हमेशा मेरी जरूरत रहेगी, हमेशा। क्या वो सिर्फ तुम्हारा होने के बजाय हम सबका नहीं हो सकता? तुम रूई की गठरी लेकर बारिश में चलना चाहते हो, वजन बढ़ता ही जाएगा। गौरव के साथ रहना, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। गौरी, तुम गौरव की फिक्र मत करो, उसका इलाज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देव, कैसे? मैं आज ही दोपहर डॉक्टर से मिलने गई थी, और उनका कहना है कि अमेरिका में साइकोथेरेपी और ड्रग्स की मदद से गौरव का इलाज जरूर हो सकता है, लेकिन लेकिन It's very expensive. मैं दोबारा तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती देव। One large, please. तुम्हारी सिगरेट चुरा सकता हूँ दोस्त? चुरा चुके हो, लेकिन आधी क्यों? थैंक्स, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ग्लास विस्की। ऐसे क्या देख रहे हो? पीने वाले टाइप नहीं लगते हो। एनी प्रॉब्लम? हाँ है तो। और उस प्रॉब्लम के पीछे कोई औरत?
वेलकम टू द क्लब। टाइमिंग सर, आप भाड़ में गया सर। तुमको इतनी बार कहा फॉर्मल मत हुआ करो यार। वन लास्ट प्लीज। अभी मैं भी मतलब अरे आप क्रिश से मिले हैं ना, रक्षा झा। यू मेट इन दैट नाइट। हे क्रिश। हाय मिस्टर रोमांटिक, वी मीट अगेन। बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। हुजूर, सबसे बड़ा कलाकार तो पैसा होता है, और इस मामले में आप तो कलाकारों के कलाकार हैं, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग? मेरा तो सारा गम ही अमेरिका है। ये जो कमबख्त मोहब्बत है ना, कभी कभी बहुत नाजायज शर्तों पे होती है। Here's my drink, यार। मेरी सलाह मानो दोस्त, कभी मोहब्बत ना करना, है ना? पहले बोला था ना, अब तो हो गई। Happy birthday to you. Sorry, बीवी, उस वक्त जेब में बस एक ही फूल खरीदने के पैसे थे। क्रिश, ये सिर्फ फूल नहीं है, इस गुलाब में खुशबू से ज्यादा तुम्हारा प्यार बसा है। इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? Happy birthday, रक्षा। ओह क्रिश, मैंने तो सोचा था। गलत सोचा तुमने। अगर यहां से कूदकर जान देने की हिम्मत होती तो बात ही क्या थी। और फिर आज के दिन मैं इतना भयानक तोहफा तो तुम्हें नहीं दे सकता था ना। क्यों क्रिश? क्योंकि तुम्हारा पति होना एक बहुत बड़ी बात है रक्षा, और बड़ी चीजों की कीमत कभी छोटी नहीं हुआ करती। बस क्रिश, बस। ये बार बार किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, इस कामयाबी को कब तक मेरे मुंह पर मारते रहोगे तुम? hey, रक्षा, let's not fool ourselves. ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है। क्या क्या कहा तुमने? बिल्कुल सच कहा। और क्या कहूं, क्या करूं? इस बात पर खुश होकर नाचूं कि तुम एक कामयाब स्टार हो, या ये सोच के यहां से कूद जाऊं कि मैं नाकारा, बेकार और बिल्कुल बिल्कुल ब्लडी फेलियर हूं। गॉड डैमन इट। रक्षा, कभी तुम मुझे प्यार से देखा करती थी, आज दया से देखती हो। देखो मुझे और बताओ मेरी क्या गलती है।
क्या ये मेरी गलती है कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर दुनिया भर के फूलों के सामने मेरा ये एक गुलाब लावारिस नजर आता है? क्या ये मेरी गलती है कि आज तुम्हारी कामयाबी सीढ़ी बनने के बजाय हमारे बीच एक दीवार बनती जा रही है? मेरी गलती है? दम घुटने लगा है मेरा। I'm feeling suffocated. जब तक बर्दाश्त कर सकता हूं करूंगा और फिर मर जाऊंगा, छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। ये सब क्या हो रहा है? मैडम ने सब बाहर फेंकने को बोला है। मैडम कहाँ है? मैडम बाहर गई है, उन्होंने ये चिट्ठी आपको दी है। क्रिश, मैं जा रही हूँ इस मकान से जो कभी घर न बन सका। काश तुमने समझा होता कि मेरी कामयाबी तुम्हारा प्यार है, मेरा गीत नहीं। अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दूसरे का साथ देने को तुम मदद करना मानने लगे हो। क्रिश, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अपने आप से बचा सको। कभी तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर सिर्फ ये गुलाब दे सके थे, इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे पास नहीं था, इसलिए जाते जाते तुम्हें दिए जा रही हूं। लेकिन ये वादा है कि जब भी दिल से पुकारोगे मैं लौट आऊंगी। आई लव यू क्रिश, आई लव यू। होने को तो कुछ भी हो सकता है मिस्टर सूरी, गौरव चाहे तो अभी इसी वक्त व्हीलचेयर से उठ सकता है। You really think so, doctor? क्या वो सचमुच उठ? मैंने कहा अगर गौरव चाहे तो। ठोकर लगकर गिरना कुदरती बात है, लेकिन अगर कोई गिरकर उठना ही नहीं चाहे तो अक्सर पैरों की गलती नहीं होती। Here we are, the Johns Hopkins Bayview Medical Center के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड हेलमन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के डॉक्टर जिम ग्रीनवुड, ऐसे कई कलीग्स हैं जिनके साथ मैंने गौरव का केस डिस्कस किया है। यू सी, मनी इज नॉट द इश्यू। जिस्मानी इलाज हो सकता है, लेकिन लाखों खर्च करने का फायदा सिर्फ तब है जब गौरव खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहे। बिलीव मी मिस्टर सूरी, जीने की चाह से बढ़कर ना कोई दवा है ना दुआ, लेकिन लाखों खर्च करने का फायदा सिर्फ तब है जब गौरव खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहे। वॉइस ऑफ द ईयर 50 लाख। क्या अफ्रीका जाना चाहता है? मगर क्यों? क्योंकि अफ्रीका यहां से और जोजो से बहुत दूर है। भाग रहे हो बेटा? काश भाग सकता, सिर्फ दूर जा रहा हूं। डैड प्लीज गिव मी द पासपोर्ट एंड द टिकट। नहीं सनी, इसकी जरूरत। डैड प्लीज, लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस। ओ, इसका तो इशक के चक्कर में फ्यूज उड़ गया है। तेरे दिमाग को क्या लकवा मार गया है गट्टू? देखो धर्म चाचा, ये बार बार गट्टू बोलूंगा, गट्टू 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 गट्टू, आज तक दिमाग का गट्टू। लड़की इसे छोड़े जा रही है, ये मुल्क छोड़े जा रहा है और आप मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। तो ठीक है, बिना मेरे नाम के ये पैसे कैसे कमाए, चलिए बताइए। बताता हूँ, वो देखो और कुछ करे या ना करे, लेकिन साडा शेर गाना बड़ा अच्छा गाता है। वो बचपन में रोता भी बड़े सुर में था। ओ दंद ना काट, अपनी माँ पर गया है, तेरे पे नहीं। धर्म चाचा तो गाना,
धर्म चाचा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं ओ दिमाग ते थोड़ा जिया जोर दोगे ना तो सोचोगे भी पुत्र जी। उस शहर में हर जगह बड़े बड़े नोटिस लगे हुए हैं। वो गवैयों का कोई बहुत बड़ा अखाड़ा है, बड़ी तगड़ी कुश्ती होने वाली है गाने की, और जीतने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम और साथ में वो क्या होता है गाने का वो सीडी। हाँ सीडी, और इस सीडी को अपनी मोहब्बत की सीडी बना दे। देख पुत्र, तूने कभी मेडल के लिए गाया है और कभी कप के लिए, इस बार अपनी मोहब्बत के लिए गा दे। हाँ हाँ, शो को मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ और फिर जजेस कौन कौन है इसका पता लगा लेते हैं और फिर जजेस को खरीद लेते हैं। नहीं ओके ओके, फॉरगेट डैड, इस बार मैं आपको बैसाखी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ये पासपोर्ट और टिकट संभाल के रखिए, कॉम्पिटिशन के बाद तय करेंगे कि इसको इस्तेमाल करना है या नहीं। सनी, शाबाश पुत्र। सुन, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मगर जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद को तुमसे दूर कर ले उसकी कुर्बानी की कोई कदर है या नहीं। क्रिश, जाओ वापस लाओ उसे, कुछ करो। क्या करूं? हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगी, शायद मुझ पे कभी भरोसा भी नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम गा सकते हो। अच्छा, आपके अलावा किसी और को एहसास ही नहीं होता। एक बहुत बड़े गाने के कंपटीशन की तैयारी हो रही है, लाखों रुपए का इनाम है, जीतने पर गाने का कैसेट भी रिकॉर्ड होगा। तुम वहां गाओगे, सारा मुल्क सुनेगा, शायद रक्षा भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे जीतना पड़ेगा, और फिलहाल जीतना तो दूर, मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले पाऊंगा इसका भी मुझे भरोसा नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी एंट्री को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्यों? क्योंकि मैं रक्षा का पति हूं। रक्षा ने तो नहीं भेजा आपको मेरे पास? नो यू ब्लडी इडियट नो। इससे पहले कि किसी ने रक्षा को सुना, मैंने तुमको नौकरी दी थी तुम्हारा गाना सुनकर। उस वक्त रक्षा सिर्फ तुम्हारी बीवी थी। चोरों की तरह चुपचाप तेरे अंदर ये अभिमान कब घुसा है रे? हैं? तुमने अपनी बीवी की कामयाबी की जिद तो की, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उसे हमेशा धकेलते रहे, कभी कामयाबी की तरफ और अब अकेलेपन की तरफ। सपने पूरे करना चाहते हो तो जागना सीखो, और अगर खुद पर यकीन नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के यकीन को दया समझकर गाली मत दो। कृष, उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें न किसी इजाजत की जरूरत है न किसी सिफारिश की। मेरी आवाज ही पहचान है। That was Mehjabeen. And now we are down to our final three contestants. So ladies and gentlemen, contestant number 18 है Ritik Mittal of the illustrious Mittal family. इसे बेहतर परिचय का क्या हो सकता है, right? So make way for Ritik Mittal. ओ रितिक पुत्र, तेरा नाम अनाउंस हो गया। चाचा वो अभी तक आई नहीं, उसने प्रॉमिस किया था मुझे। अब पुत्र ठंड रख, ठंड। गड्डी तेज कर दे, खड़ा हो जा एक्सीलेटर ते। कुड़ी आने से नहीं जीतेगा, जीतेगा ता कुड़ी आएगी। चल चक दे फटे।
बाद आने वाले हैं कंटेस्टेंट नंबर 19 क्रिश कुमार। ये मुंबई के रहने वाले हैं और म्यूजिक की दुनिया में ही अपना नाम कमाना चाहते हैं। सो हियर ही कम्स क्रिश कुमार। आज ये गीत मैं सिर्फ मुकाबले के लिए नहीं गा रहा, ये गीत मैं उसके लिए गा रहा हूं जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। रक्षा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे सुन सकती हो। That you're listening to me. मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें खुद से अलग समझा, भूल गया कि प्यार दो लोगों को एक करता है, अलग नहीं। रक्षा, मैं तुम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुमने कहा था कि जब भी मैं तुम्हें अपने दिल से पुकारूंगा तुम लौट आओगी। रक्षा, लास्ट एंड फाइनल कॉल है। लास्ट एंड फाइनल कॉल ही है शायद। तुमको चाहे तुम जिंदगी को मिस करने से फ्लाइट को मिस कर देना बेहतर हो शायद, नहीं? देख मिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे आज की शाम के आखिरी कंटेस्टेंट, मेक वे फॉर मिस्टर देवदर्शन सूरी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देव, रिजल्ट्स का इंतजार तुम लोग करो, मुझे तो मेरा इनाम मिल चुका है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। चले, आज के कॉन्टेस्ट का विनर चुन लिया है, द पास पास वॉइस ऑफ द ईयर। प्लीज ऋतिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज क्रिश कुमार। डैड, अरे सनी, पुत्र, मेरे नसीब में शायद अफ्रीका ही लिखा है। अरे सनी, इट्स ओके, नथिंग डूइंग डैड, जस्ट गिव मी द टिकट। नहीं नहीं, टिकट नहीं, सनी जाने की जरूरत नहीं। आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। अरे सॉरी, एक्सक्यूज मी। सॉरी, मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही। देखा, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, मगर तुमने उस रास्ते पर कदम रखा, यही मेरे लिए काफी है।
जीत कह रहे थे, तुम जीत गए। क्या? वो तो देख, वो देख, जसविंदर ते ऋतिक। Come on everybody, let's give him a big hand. Congratulations, Krish. और ये रहा आपका 50 लाख रुपए का चेक। All right, yeah. आजकल के जमाने में अगर कुछ कहे बगैर अचानक कोई धमाका हो जाता है तो दिल थम सा जाता है। और आज की शाम मेरी जिंदगी में 3-3 धमाके हुए हैं। एक ये, एक ये और एक वो। क्या है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है और मेरे लिए एक वही धमाका काफी है। आई लव यू। आज हम सब ने अपने आप के लिए गाया, खुद के लिए गाया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए गाया, और एक अजीब और गरीब तरीके से मेरी इस कामयाबी के भी जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि आज मुझसे ज्यादा इस इनाम के सही हकदार वो हैं। So ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause, Mr. Dev Darshan Suri. Yes, Gaurav.